माय गॉड रेमो, अरे आप वही है ना जिन्होंने फिल्म बनाई थी फालतू। मैं नाम भूल गया फिल्म का, क्या था? फिल्म का नाम ही फालतू है। फालतू का नाम लिया, दूसरा फालतू बोल पड़ा तेरे को क्या बे? मजाक भी नहीं समझता तेरे को, डायरेक्टर किसने बनाया? सर जी सल्यूट है आपको, बड़ी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे, मेरे को बताया बड़ा भीड़ थी बाहर। मैंने देखा इतनी मेहनत की इस आदमी ने, इतनी मेहनत। रंगीला फिल्म मैंने देखी है, उर्मिला के पीछे आप नाच रहे थे ना, या ही रे जोर लगा किन, कितना जोर लगा के बंदा डायरेक्टर बन ही गया। और उर्मिला देख लो, कल भी स्टार थी आज भी स्टार नहीं है। सर जी मैं आपको इतना सल्यूट करता हूँ, आप कितने मेहनती आदमी है, आपने डांसर लोगों को लेके फिल्म बना ली, कई डायरेक्टरों के पास तो एक्टर पड़े हुए हैं शुरू नहीं करते। खैर मैं ये नहीं बताऊंगा मसला क्या है, कभी फुर्सत में बैठोगे बताऊंगा आपको क्या चक्कर हुआ। ये समझ लो कि किसी ने दूल्हे को बेड पे चढ़ा दिया स्वागत वाले दिन, दुल्हन नहीं भेज रहा बस। हम आपकी फिल्म की बात करते हैं, आपकी फिल्म का नाम ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, एम आई राइट? ये सही किया आपने, सोहेल भाई को तो तसल्ली मिल गई सुन के, एनीबॉडी कैन डांस। क्योंकि जब ये पहले दिन आए थे सारी रात लगे रहे, पूरा स्टेप नहीं हुआ एक डांस का। पर जेन्युइन आदमी है, स्वीट आदमी है, सारी रात निकल गई लेकिन गलत स्टेप नहीं उठाया। अगले दिन भले ही सुबह हो गई थी लेकिन सुबह जाके इन्होंने बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा। होता है रेमो आपके शो में, मैं देखता हूँ आपका शो, डांस वाला शो ना, आई लव दैट शो। मेरे को मैं एक चीज समझ में नहीं आती, लेकिन आपके शो के बाद जब आपसे कमेंट लेते हैं कि बच्चे ने कैसा डांस किया, उसके बाद मिथुन दा से क्यों पूछते हैं? आपको अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं होता कि यार मिथुन दा पहली बार में गलती नहीं पकड़ पाते? मैंने बड़ी बार देखा मिथुन दा को काफी इंटरप्ट करते हैं आप लोग, बीच में खड़े भी हो जाते उठ के, क्या बात क्या बात। फिर सियाने आदमी है, बताते क्यों नहीं बात क्या है, इनको बता दीजिए आप साइड पर ले जाके। लव मिथुन दा बीच में खड़े होकर ग्रैंड सल्यूट भी करते ना, मेरे को लग ही नहीं रहा डांस शो, मेरे को लगता 26 जनवरी की परेड में आए, बीच में खड़े हो जाते हैं। तीन चार बार तो डायरेक्टर ने रोड़ा, कहते चचा घोड़े निकल गए 26 जनवरी वाले, अभी बैठ जाओ चलता है। सर जी आपने उस शो में कितने साल गीता माँ के साथ बैठे, तो आज एकदम से गीता माँ के अलावा भीष्म पिता माँ के साथ बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, इंजॉय कर रहे हैं? खैर मैं बातों बातों में बताना भूल गया, मेरा फोटो स्टूडियो है, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाने आते हैं, हम लोग लोगों का बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो करते हैं, भगवान बस ऐसे ही काम चला ही रखे। ये आप देख ही रहे हैं सारी फोटो में, इनमें से मैंने कोई नहीं खींची। ओह माय गॉड, दरियाई घोड़ा चलता हुआ पहली बार देखा मैंने। भाई साहब सॉरी माफ करना सर, आप पहली बार हमारी दुकान पे हैं, वो रहा टॉयलेट। ओके टॉयलेट क्या, पहली बार कोई आता तो खाने पीने के लिए पूछते हैं। अच्छा जो पहले फटने वाला तेरे को और खिला पिला के फर्श खराब कराने अपना। तमीज से बात कर, ये बता तुम मेरा पोर्टफोलियो कर सकते हो? यस सर, मैंने कितने कितने लोगों का पोर्टफोलियो किया है, इनका तो नहीं खैर, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को स्टार बनाया मैं। आपको पता विजय काल्या? हाँ लिंक फिशर एयरलाइंस वाला। ओके उनका हर साल जो कैलेंडर छपता है ना, यस वो मैं ही छापता हूँ, मैं ही फोटो खींचता हूँ। इस बार थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया इनके साथ। क्यों? ऐसे ही मेरे को कहते जून के कैलेंडर में जो मॉडल आएगी ना तो उसके कपड़े थोड़े छोटे रखना, तो मैंने कहा तेरी दिसंबर वाली कौन सा कंबल ओढ़ के आती है भाई, क्या बस इतनी सी बात पे। सर एक बात बताइए और क्या करते हैं आप मॉडलिंग के शौक के अलावा, क्या करते हैं आप? एक्चुअली मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, लेकिन मैं मॉडल बनना चाहता हूँ। लेकिन पापा कहते तू मॉडल नहीं बन सकता। मुझे बस अपने पापा की बात गलत साबित करनी। पापा की बात गलत साबित करनी है? देखो पैदा होकर तुमने प्यार तो साबित गलत कर ही दिया उनका, बाकी रही बात की बात तो बात भी गलत साबित हो जाएगी, उसमें क्या है? तुम ये बताओ कि कितना खर्चा कितना आएगा? मैंने एक्चुअली 50 फोटो करने हैं। ओके अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से। देखिए मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी लिया तो नहीं लेकिन मैं ट्राई करूंगा। आज से पहले क्या मैं शादी वगैरह की फोटो खींच रहा हूँ, आपको पता है अर्चना मैडम ना, इनकी शादी की फोटोग्राफी मैंने की, बड़ी कमाल की शादी थी, बारात इतनी लेट आई। मैंने दूल्हे से पूछा परमीत से, मैंने कहा भाई साहब इतनी लेट, कहते सारी रात सब्जियां काट के गया हूँ, सुबह लेट ही आऊंगा। ऐसा होता है शादियों में। उसके बाद जूता चुराने वाली रस्म होती ना, हाँ। मैडम खुद ही जूता चुराने बैठ गई, खुद ही दुल्हन खुद ही जूता चुरा रही, कहती है मेरी बहन नहीं है तो मेरा क्या कसूर, 500 हाथ से क्यों जाने दें। फिर लड़के वाले कहते 500 ले लो जूता दे दो, कहते 2000 के जूते 500 में कैसे दें, मैंने पहन लिए थोड़े टाइट हैं चलूंगी तो ठीक हो जाएंगे, ऐसी हरकतें होती है हमारे साथ। अर्चना जी की बात छोड़िए, मुझसे बात कीजिए, कितना खर्चा कितना आएगा? देखिए आपकी एक फोटो खींचनी है ना, उसके लिए भी मल्टी कैम सेटअप लगेगा और एक ऊपर से जिमी जीप लगेंगे, वो जिमी जीप जानते हैं आप, वो एटीट्यूड वाला कैमरा जो हवा में रहता है। ओके ओके अब उससे आपका कम से कम नहीं तो 5 लाख का खर्चा आएगा आपका। 5 लाख बहुत ज्यादा है यार। ए तू नया है, तेरे को 5 लाख ज्यादा लगता है, हमारा करोड़ों फंसा है पूछ ले। इसलिए देख तेरे को बात बता रहा हूँ। जी बताइए। अच्छी फोटो खिंचाएगा, अच्छी फिल्म में काम मिलेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ओह वाह, इसका मतलब आपकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी वाकफियत है। देखो मिलनी होगी ना ऐसे ही मिल जाएगी,
वाकफियत से कुछ नहीं होता, समझ रहा है? हम लोग इधर लाइव परफॉर्मेंस कर करके मर रहे हैं, हमें तब नहीं मिल रही, तू फोटो के सारे फिल्म लेने चला है, बड़ा आया तू, ऐसे नहीं होता है। और तुम्हें पता नहीं, मुझे सुहेल खान प्रोडक्शन से ऑफर आया। क्या? सुहेल खान प्रोडक्शन से ऑफर आया मुझे। शेर खान तो मैंने सुना था, गैंडे का तो कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। चलो खैर छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, वो जो मर्जी बनाए, हमारा अपना काम चल रहा है। देखो तुम्हारी यहाँ कुछ अलग अलग, पहले मेरे जो डेमो फोटोग्राफ्स खींचनी पड़ेगी। oh, अगर ठीक लगी तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है, कोई अच्छा सा पोज बनाओ। चलो ये क्या पोज है बे? ऐसा लग रहा है भैंस का शादी के बाद पहला सावन है। व्हाट इज दिस? कोई अच्छा सा पोज बनाओ यार, दिस इज नॉट वेल। तो अच्छा सा पोज बनाओ। आई एम मॉडल, ये देखो सावन भैया भैंस बदल गई है। व्हाट इज दिस? ए देख, ये फोटो तेरे काम की नहीं, तेरे साथ कुछ अलग करना पड़ेगा। देख वो मॉडल लोग करती ना, वो सांप गले में डाल के। हाँ हाँ हाँ, सांप तो तेरे विजिबल नहीं होगा। देख काम करते, अजगर गले में डाल के तेरी फोटो खींचता हूँ। क्या? क्यों अजगर? पता है यार, अजगर एक बार जकड़ ले तो इंसान की हड्डियां तोड़ देता। तो तेरे को किस चीज का डर बे? जकड़े का तब ना जब पूरा इंची टेप यहाँ पे खत्म हो जाएगा उसका। आगे 1.5 लीटर पेट आगे खाली पड़ा, क्या है? नहीं, खा ले उसके, फिर क्या है? रिस्क नहीं लेना भाई, ऐसा करो कोई और तरीका बताओ। एक काम करते, अजगर के साथ ही जाने तुझे, एक हॉट मॉडल बुलाता हूँ मैं। यस, नदी किनारे खड़ा करके ना तुम्हारे ऐसे ऐसे पोज खींचूंगा, मजा आ जाएगा तुम लोग। टाइटैनिक? टाइटैनिक का नाम क्यों ले रहा है? एक फोटो में दो दो जहाज आएंगे, अच्छा लगेगा। तेरा अलग से करेंगे, तेरा पोज होगा ये वाला ऐसे करके। ओके, इधर तेरे चील आगे बैठेगी, इधर कौवा, मैं फोटो खींचूंगा, मेरी वाइल्ड फोटोग्राफी भी हो जाएगी साथ में। वाइल्ड फोटोग्राफी भी करते हो? वाइल्ड करता हूँ मैंने, अभी थोड़े समय पहले मैंने जंगल में गया वाइल्ड फोटोग्राफी करने, मगरमच्छ दिखा, मैंने फोटो खींची, मगरमच्छ ने यूं किया। अबे मैंने कहा स्टील फोटोग्राफी फिल्म नहीं, क्लैप क्यों दे रहा है? वो मेरे पे भड़क गया, उसने 3-4 जगह क्लैप दिया मेरे, यहाँ भी। 3 महीने में अस्पताल में रहा हूँ, मेरे बड़े बुरे निकले। आपके लेकिन अच्छे हैं भाई, 3 महीने इधर जज, 3 महीने उधर। क्या खिलाते क्या प्रोड्यूसर को, किधर भी जाने देता, हमारा तो कहीं जाने नहीं देता। आइए फिर आपकी फोटोग्राफी करते हैं। नहीं नहीं, तुम उधर बात छोड़ो, मुझसे बात करो यार, रेमो सर तो फिर भी आ जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे, तू तो इधर ही पड़ा रहता गोदाम में, वो तो कभी कभी आते हैं, पहली बार आए हैं। ऐसे कैसे, तुम्हें पता है यहाँ पे आने के लिए पूरी फिल्म बनानी पड़ती, तब जाके मौका मिलता है वहां बैठने का। यार तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? क्यों बेइज्जती कर रहे हो यार, मुझ में कमी क्या है? कमी तेरे में कोई नहीं, तेरे में खूबी है। हाँ, तू सांस लेता है। आया बड़ा तू फिल्म स्टार बनने हैं, अभी करता हूँ डिस्कवरी वालों को फोन, बोलता हूँ हाथी कोट पैंट पहन के घूम रहा है, चल निकल जा। बड़ा तू फिल्म में काम करेगा, पागल कहेगा। बकवास मत कर, मैं तू मुझे जानता नहीं, पुलिस कमिश्नर का बेटा हूं मैं। अबे चल बे, कमिश्नर होगा घर पे, क्या कहा? पुलिस कमिश्नर का बेटा हूं मैं। इन लोगों के पीछे पड़े आप काम लेने के लिए, आप पता कितने टैलेंटेड आदमी है। आप भाई साहब हमारे स्पेशल गेस्ट है, आप लेंस में चाय पियो, इधर आओ। चाय कम हो जाए ना, ये चाय भरी पड़ी है, कम हो जाए तो जूम इन कर लेना, ज्यादा हो जाएगी। आराम से चाय पियो, किनके चक्कर में पड़े हुए आप? कमिश्नर के बच्चे हो आप, वाह वाह, आप कमिश्नर के बच्चे हैं, आप कहाँ पड़े हुए इनके? चाय बहुत टेस्टी है यार, लेकिन जब से पापा रिटायर हुए ना, ऐसी चाय नसीब ही नहीं होती। पापा रिटायर हो गए? हाँ। तेरी साले निकली जब से पापा रिटायर हो गए, तू बनेगा हीरो, तेरी शक्ल है साले, गमले जैसा मुंह तेरा, तू हीरो बनेगा, थप्पड़ मार के निकालो, निकल निकल जाने, बड़ा हीरो बने। डांस खराब कर दिया मेरा। बकवास मत कर, मेरी मम्मी रूलिंग पार्टी की लीडर है। तो ये डायलॉग कैसे लगा कि आया बड़ा हीरो बनने, मारूंगा साले, ये आपको बोलना है अपनी फिल्म में? अच्छा डायलॉग? हाँ, आपको बोलना है, आपको बोलना है, आप बैठिए, ये आपका डायलॉग था, मैं आपको डायलॉग समझा रहा था। ओके ओके। हाँ मम्मी, आप मेरे, आपको पता मैंने चाय के साथ बिस्कुट भी रखे, लिक्विड है, पी लो। आप तो यार ऐसे बिस्कुट तो भूटान से मिलते हैं यार, मेरी मम्मी लेके आती है वहां। भूटान से क्यों लेके आती थी? मेरी मम्मी वहां की रूलिंग पार्टी की लीडर। उतर साले दगले दे, तेरा तेरी माँ भूटान में काम करती साले मोटे, तेरे को तोड़ के 3 पहाड़ियां निकला है, लोनावला भी बड़ा है तू, मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा, खबरदार, मेरे से फोटो खिंचवाने आया साले, तेरे को फोटो खींचनी नहीं आती। अबे चल बे, तेरे को क्या पता, बड़ा है फोटो नहीं खींचने आती साले, ये देख फोटो खींचने, तेरे को बताऊं अपना काम है, हम लोग खानदानी पुश्तैनी फोटोग्राफर है, नहीं यकीन तो ये देख मेरे दादाजी ने फोटो खींची थी। ए माता जी याद है आपको, लाइव टैलेंट दिखा रहा हूँ तेरे को अर्चना जी, ये तेरे को फोटो खींचता हूँ, देख अर्चना जी स्माइल करो जरा, ये देख टैलेंट दिखा रहा हूँ तेरे को, बिना लेंस के फोटो देखाई कैसी, ये देख साले हमें पूछता है फोटोग्राफर कैसे, ये देख, ये देखो जब मेरे को तेरे से फोटो खींचनी तेरी, आपको अच्छा लगा फोटोग्राफर तो देख लो अपने हिसाब से, शुक्रिया। थैंक यू।